नमस्कार सुप्रभात अर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करछु मुसुपना आरंभ करबा आजिर खबर अभियान आज सिडनी डायलॉग रे दीक्षांत भाषण प्रदान करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकाळ 9:00 रे भीसी माध्यम रे पीएम मोदी एहि कार्यक्रम रे जोडी हेबा सहित निजर अभिभाषण रखिबार कार्यक्रम होईछि। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को प्रारंभिक भाषण परे प्रधानमंत्री मोदी भारतर प्रौद्योगिकी उद्भावन और विप्लव उपरे उद्बोधन देवे बोली जना पड़ी। 17 नवंबर आरंभ होइतबा सिडनी डायलॉग 19 तारीख पर्यंत चलिबो। कोविड टीकाकरण में पुणी थरे रेकर्ड हासिल कला भारत प्रथम थर गोटे डोज टीका नहीं व्यक्ति संख्या को टपिला 2 डोज नहीं व्यक्ति संख्या बुधवार केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष जारी करा सूचना अनुजाई वर्तमान देश में 38 कोटी लोक कोविड टीकार 2 डोज टीका नहीं सारी जितेबाला गोटे डोज नहीं लोकों संख्या 37.5 कोटी रही तेज वर्तमान सुधा देखा गले देश में मोट टीकाकरण संख्या 113 कोटी में पहुंची जमापड़। पंचक बढ़ला कालिया दर्शन समय पंचक कार्तिक पूर्णिमा श्रीमंदिर प्रशासन नुआ मार्गदर्शिका आज और आसंता काली राति 11:00 जाए श्रीमंदिर खोला रहिबो। काली सकाळ 7:00 राति 11:00 जाए श्रीमंदिर खोला 19 तारीख कार्तिक पूर्णिमा रे श्रीमंदिर बंद रही सूचना। कार्तिक पूर्णिमा रे महाप्रभु दर्शन करिपारिबे नाही श्रद्धालु प्रबल भिड़ को आखिरे रखी श्रीमंदिर प्रशासन पदक्षेप नियाजाइछि। दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर सक्रिय लघुचाप आसंता स्थलभाग छुईब दक्षिण आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु अंचल स्थलभाग छुईबा नहीं सूचना। यह प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशा रे केतक जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। आंचलिक पानीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुजाई 19 तारीख में दक्षिण ओडिशार मलकानगिरी रायगड़ा कोरापुट कंधमाल वर्षार परिमाण बढ़ लघुचाप प्रभाव में कोहला पाग रहा द्वारा राज्य में रातिर तापमात्रा वृद्धि पाता देखा। दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर सक्रिय लघुचाप आसंता स्थलभाग छुईवा नहीं सूचना। दक्षिण आंध्रप्रदेश और उत्तर तमिलनाडु अंचल यह स्थलभाग छुईब यह प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशा रे केतक जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। आंचलिक पानीपाग विभाग पूर्वानुमान जाए 20 तारीख में दक्षिण ओडिशार किछु जिले में वर्षा हो। तबे संपर्कित अधिक सूचना देवे भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांति आम सहित जोड़ी होती। स्वप्नांजलि जहां सक्रिय लघुचाप आसंता स्थलभाग छुईब केतोटी जिले में वर्षार परिमाण अधिक रही है पानीपाग विभाग पक्षर कौन अधिक अपडेट आ दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर में सक्रिय लघुचाप सृष्टि और आसंता काली स्थलभाग छुईब बोली स्पष्ट सूचना रही। एथिपाई आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षर विभिन्न जिला को नोटिस जो भाई भाव में दीर्घ 5 रु 6 दिन है ओडिशार विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रोचे और वर्षा रोचे या सहित हालुकारु मध्यम धरण वर्षा आसंता 2 दिन मध्य एवं 20 तारीख पर्यंत ओडिशार ये सक्रिय लघुचाप जहाँ रही तार वृष्टिपात जहाँ रही संभावना रही विशेष करी दक्षिण ओडिशा को अधिक बर्षिबो एवं यह 24 घंटा मध्य अधिक बर्षिबो बोली स्पष्ट सूचना रहुची। ता भीतर जे देखिबा गंजाम गजपति रायगड़ा कंधमाल कोरापुट ये तमाम अंचल को मध्य अधिक प्रबल वर्षार संभावना रही अन्य जो जिला गुड़िक रही हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा रहिबो 20 तारीख पर्यंत ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा हाबा सहित मेघुआ पाग एवं सकाळु जहां मध्य अनेक जिले में मेघुआ पाग एपर्यंत जारी रही ये तमाम वर्षा हाबा जो मध्य चाषी मानक क्षेत्र में कौटि ना कौटि अमल करिबारे अनेकांशे चाषी मानक अधिक क्षतिग्रस्त होती कहीं वर्षकर फसल अमल नष्ट हो बड़ सूचना आसूची जे 20 तारीख पर्यंत ये वर्षा कमिब यह सूचना रही 20 तारीख पर्यंत वर्षार संभावना ओडिशार सबु जिला रही दक्षिण ओडिशार विशेषकर यार प्रभाव देखा मिल स्वप्ना निश्चित भाव स्वप्नांजलि आपड़ी सूचना देते तेज स्वप्नांजलि जो लघुचाप सक्रिय होती है आसंता काली स्थलभाग छुईवा सूचना रही तेज क्यों क्यों जिला को पानीपाग विभाग पक्ष येलो वार्निंग रेड वार्निंग सेपरी किसी जारी कर
देखंतु स्वप्ना एपर्यंत कोनोसी स्पष्ट सूचना जदिओ आसीनाय किंतु पूर्व भली दक्षिण ओडिसा को अर्थात गंजाम गजपति कंधमाल रायगडा कोरापुट ये तमाम अंचल को पूर्वरु येलो वार्निंग जारी करायथिला एवं एपर्यंत कोनोसी जदिओ स्पष्ट सूचना आसीनाय किंतु ये सब जिल्ला गुडीक विशेष सतर्कता रहिबार आवश्यकता रहिछे काहेकिना दक्षिण ओडिसा को पूर्वरु जेबले कोआ जायथिला वर्तमान पर्यंत मध्य अधिकांश रे वर्षा सेहिठारे अधिक हबो बोली जहां सूचना रहुछि एवं मत्स्यजीवी मानकु पूर्वरु जहां सूचना दैथिला 18 तारीख पर्यंत कोनोसी मत्स्यजीवी समुद्र भितर को मना हेतला काहेकिना पवन रो बेग मध्य 40 किलोमीटर प्रति घंटा रे बढ़ुतला सेथिपई पूर्वरु जहां सूचना दैथिला एबे पर्यंत से ताहा जारी अछि एवं एपर्यंत एसआरसी को पक्षरु आउ कोनोसी निर्दिष्ट सूचना मिलि पर नै एवं 20 तारीख पर्यंत ये ओडिसा रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हबो सेते संभावना नै जलबंदी हबार मध्य सेते संभावना नै पूर्वरु जो 3 रु 4 दिन वर्षा अधिकरु अधिक रहिछि ता भितरे सबुठु अधिक जदि देखबा रेकर्ड जहां कराइथिला गंजाम रो छत्रपुर रे अधिक वर्षा हेतला एवं सर्वनिम्न भुवनेश्वर रे हेतला एपर्यंत जहां सूचना रहुछि जे दक्षिण ओडिसा को अधिक वर्षिबो एवं ये 2 दिन भितरे लघुचाप जहां सक्रिय होइछि ता धीरे धीरे अवपात रूप नै धीरे धीरे कमिबो मध्य निश्चित भाव स्वप्नांजलि मो सहयोगी जोड़ी होते आम सहित एवं दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर सक्रिय लघुचाप आसंता स्थलभाग छुईब और आसंता 20 तारीख पर्यंत राज्यर किछि जिल्लारे हालुकारु मध्यम धरणर मध्य वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणिपाग विभाग पक्षर मध्य सूचना दिया जाइछि। धन्यवाद स्वप्नांजलि आपणक समस्त अपडेट पई। वर्तमान बुलेटिन रे समय होइछि एक छोटो ब्रेक रो। ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत। आईपीएस स्तर रे अदल बदल गृह विभाग रो एसडी हेले विनय नंद झा। सुधांशु सडंगी को रेलबाई और तट रखी विभाग रो अतिरिक्त डीजी भाबे नियुक्ति दिया जायछि। रेलबाई और तट रखी विभाग रो अतिरिक्त डीजी थिबा प्राणबिंदु आचार्य को ओएचआरसीसी डीजी भाबे नियुक्ति मिलिछि। 2003 ब्याच रो आईपीएस सफरीन अहमद अग्निशम ओ होमगार्ड विभाग रो आईजी नियुक्त होइछन्ति। सेहिपरि 2013 ब्याच आईपीएस एल दिव्या विंकु ढेंकानाल एसपी भाबे बदली करा जायछि। गजपति मोहना थाना चंद्रगिरी गंजेई बोझेई गाड़ी जबत। बोझेई गाड़ी रे जोगे ब्रह्मपुर को गंजेई चोराचालन करा जाउथिला। एथिरे जणकु गिरफ करिछि मोहना पुलिस। गिरफ जणक हेले मोहना थाना चंद्रगिरी ग्रामर प्रताप बीरो। मोहना थाना टीम तलासी ग्राम निकटरे पेट्रोलिंग करुथिबा बेले एहि गाड़ीकु जबत करिछि। केन्द्रांचल अबकारी गुइंदा विभाग और बालेश्वर अबकारी विभाग मिलित चढ़ाऊ नीलगिरी घाट घर साही अंचल में चढ़ाऊ करी 50 किलो गंजे जबत करी। गंजे बाहर आसी गच्छित रही विशेष सूत्र खबर पाई कटक केन्द्रांचल गुइंदा विभाग चढ़ाऊ कर पर चढ़ाऊ ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करणक गिरफ्त कर पुलिस। 900 लिटर देशी मद सहित कार और स्कूटी जबत जड़े गिरफ। भद्रक अबकारी निरीक्षकों नेतृत्व में जिला अबकारी विभाग चढ़ाऊ कर चारिघरिया ग्राम रे पेट्रोलिंग करुथबा समय एक कारु 500 लीटर देसी रंधामद जबत होईछि। भद्रक टाउन केस अंतर्गत चारिघरिया ग्राम रो उडा होछि जीवनधर दास अलियास चगुलु। से दीर्घ दिन हेबो देसी महुल मद आणिकि हमरो भद्रक टाउन अंचल रे विक्रय करथुवार आम पाखरे सूचना थिला। ताकु आम ट्राक करथिलु आज अपराह्न रे ताकु आम चारिघरिया छकरे तार गाड़ी सहित डिटेन करि सर्च करथिलु जाथरु 500 लिटर मद ता निकट जबत होई जार आनुमानिक मूल्य लक्षाधिक टंका हबो। पंचभूतरे लीन हेले वरिष्ठ नेता उमेश स्वाई। हिंदू रीतिनीति रे संपन्न हेला शेष कृत्य। शेष दर्शन पई माछ गारे प्रबल भिड़। जगतसिंहपुर जिलार सबु दलर नेता और विधायक शेष दर्शन कले। उमेश को पौत्रिक गाँ माछगा शमशान रे शेष कृत्य संपन्न होई अंचल रे शोकर छाय देखिबा को मिलिछि। जगत सिंहपुर जिलार अधिवासी मान दीर्घ दिन राजनीतिक जीवन हाथी को मारिबाकु विद्युत तार संयोग करी होइथिला षडयंत्र। वन विभाग पहुंची जबत कला तार। घटनास्थल अभियुक्त फेरार। खोर्धा टांगी ब्लॉक खजुरी पड़ारे एभली अघटन देखा मिली। ग्राम्य जल जोगाण अफिस्रु विद्युत संयोग नहीं हाथी को मारिबा योजना खबर पाई वन विभाग ताकु पंड कर क्षेत्र को रक्षा कर तार घेरी थे कि रास्त हाथी जावासा करा तार अपराध तेणु आम बाध्य खबर पाई सर्च कला देख लु आरडब्ल्यूएस अफिस् भितर
लाइन जी तार सहित कनेक्शन कराई तेनाली जबत करके तार भर खोल लगी। जाजपुर सुकिंदा ब्लॉक अध्यक्ष नाम से टंका हड़प अभियोग निम्न मानर काम कर पद्मावती जेना टंका हड़प कर अभियोग गोबरघाटी ग्राम पंचायत में सुकिंदा ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती पद्मावती जेना गोबरघाटी अंचल दुई कोटी टंका हड़प कर सीबीआई तदंत दाबी होई एने एक सांबादिक सम्मेलन में कांग्रेस दाबी कर आमे अतिथि भाव में एम एल सर प्रीतिरंजन घड़ई एवं आमर ब्लॉक अध्यक्ष पद्मावती जेना मैडम को गेस्ट करूँ से गेस्ट समय रे सभा रे सौ सौ लोक उपस्थित थे जेतु फंक्शन चली फंक्शन रे सौ सौ लोकों सामना रे से यही कथा कही थे जे नीलाचल कॉलोनी को रास्ता पाई चारि कोटी टंका दि जाए तो चारि कोटी टंका तो मुझे जानी जेहेतु से ठिकार सरपंच हिसाब से मुझे दुई कोटी सतुरी लक्ष टंका सांक्शन होती मुझे जानी। बालेश्वर खैरा थाना श्रीरामपुर ग्राम से अघटन बिल मझीरे एक गछर युवकों झुलंता मृतदेह उद्धार हो सकाळे ग्रामवासी माने बिलकु जाउतबा बळे मृत देहटुकु झुलुतबा देखिथिले। मृतक हेउचंती विजय कुमार साहू एने गाँव लोके परिवार लोकंकु खबर देबा सहित खैरा थाना रे लिखित अभियोग करथिले। उल्लग्न करी युवकंकु आक्रमण विभिन्न मारणास्त्र रे करुछंती आक्रमण बंचाइबाकु जाय परिवारर मां भाई भाउज भौणी ओ झियारी आहत। दिन दुईपहर रे गाँ दांडरे एभली अमानुषिक कांड पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर दुई गोष्ठी भितर गंडगोल होता एमित एक घटना देखा मिली। जाजपुर धर्मशाला ब्लॉक अंतर्गत अंटिया पंचायत पछकुंडी ग्राम से यापर आतंक रही ग्रामवासी। कटक नेमाळ थाना कोइली भंगी ग्राम से युवती अश्लील वीडियो वायरल जड़े महिला वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होता अभियोग। सोशल मीडिया रु फोटो संग्रह करथिले सेई फोटोटिकु अशालीन करिबा परे महिलांक घर सम्मुखरे मध्य फोटोटिकु पकाइथिबा अभियोग होईछि। एनी महिला जणक नेमाळ थाना रे अभियोग करिछन्ति। अभियोग रो चारि दिन बीती जाइथिले सुधा पुलिस चुप बसिछि। वर्तमान बुलेटिन रे समय हो एक छोट ब्रेक। ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत। दीपावली राति रे नाबालिका को अपहरण अभियोग संबलपुर रेंगाली थाना निशांग भंगा गाँव रु एभली अभियोग आसी। ग्रामर जणे नाबालिका को सही गाँव जणे युवक दीपावली रात्रि रे अपहरण करि नै जाइथिले। परिवार पक्षरु अभियोग परे नाबालिका को उद्धार करिछि पुलिस एहा सह युवकों को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करा जाइछि। सफे कर्मचारी संबंध में कटक महानगर निगम को परामर्श देले जातीय कमिशन सदस्य पीपी भाभा। एमएस एक्ट 2013 अधीन समस्त नियम लागू करने से निर्देश देते समस्त स्थायी पदरे सफे कर्मचारी निजुक्ति देवा एमएस एक्ट 2013 समस्त अधिकार प्रदान करने सुप्रीमकोर्ट को निर्देश पालन करने निर्देश देते जातीय कमिशन सदस्य50% of the cost of the project will be released to the bank. The project was 5 lakhs. Finance Development Corporation will release 2.5 lakhs rupees to the bank. That be added to credit of the individual. As margin money you can take. So the individual is liable to pay interest for 50% 2.5. शिशु अधिकार को नहीं कार्य करुथबा अनुष्ठान पिककर 32वां शिशु मेला समारोह अनुष्ठित हो जाइछि। कोविड महामारी पई ओडिसा रिसर्च सेंटर थारे कार्यक्रम आयोजित होइतला। चतुर्थ संध्या रे महान कंठशिल्पी अक्षय महांती स्मृति चारण करा जाइतला।
ଏହି ଅବସରରେ କୁନି କୁନି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନଛୁଆ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଆକାଂକ୍ଷା ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। आज कार्यक्रम गोटे निरा आज हूँ पिला अक्षय कार्यक्रम जोटा कि यही दिन आम जो शिशुमाला संगीत प्रतिजोगिता चली खबर आसला अक्षय महांती आम गण से ना जोटा कि आमपाई बहुत बड़ से दिन कष्ट किंतु आम से मानने निष्पत्ति निहला पिलाई गोटे आज जो से जो दिन टी सतर नवेम्बर सतर को पिला अक्षय कार्यक्रम कराद्वारा कि अक्षय महांती भाया जड़े जुगजन्मा जिकि ओडिशा रे अदित्य तुलना ना एमती जड़े कंठशिल्पी पिला से बंचिकी रुहतु से आज पिलार कंठरे पाने अक्षय महांती गीत गाई आज श्रद्धाजलि दौरान। हरिश्चंद्र बक्सी पात्र 88वां जयंती उत्सव पालित हो जाएगी। भुवनेश्वर जयदेव भवन आयोजित होता कार्यक्रम अवसर में द्वारा प्रतिष्ठित ओडिया पाक्षिक पत्रिका लोकनीत पूर्वतन अर्थमंत्री पंचानन कानून को एथिरे अध्यक्षता करथिबा बेले अमर शतपथी सम्मानित अतिथि भाव जोग देथिले। भुवनेश्वर में आरंभ हो जाएगी स्कूपी। यह संस्था ऑनलाइन माध्यम रे खाइबा जोगाइब जोमाटो स्विगी भली यह संस्था ऑनलाइन माध्यम रे खाइबा जोगाइब प्रथमे ऑर्डर रे 10% रिहाती रही सहित भुवनेश्वर में मागणा वितरण सुविधा रही आप प्ले स्टोर मध्य उपलब्ध रही जो व्यक्ति पाखे स्मार्टफोन सुविधा उपलब्ध ना से माने फोन नंबर माध्यम रे जोगाजोग करिपरिबे। वर्तमान जो सिस्टम चली जो जो गैप थी फिलअप करने चेष्टा करेतु आम भुवनेश्वर लोकल कंपनी ओडिशा कंपनी आ भुवनेश्वर प्रथम थर कर आरंभ कर लोक जमी बिना डेलीवरी चार्ज खाया पाई डिस्काउंट पाई दिन जेकोसी समय पाई आहर गोटे कोण रू आउ गोटे कोण पर्यंत पाई जोटा आज पर्यंत हो नाला प्रायतः 4-5 किलोमीटर भितर डेलीवरी दिया हुए कितु आमर जेकोसी समय भुवनेश्वर जेकोसी कोण अन्न जेकोसी कोण ऑफिस हो कि घर हो डेलीवरी आम कर डेलीवरी चार्ज आम चार्ज कर डेलीवरीटा सब फ्री अच्छी बाद लोकल रेस्टोरेंट सां कथाई जे जे राजी होती आम जहाँ डिस्काउंट पाचे बर्तमान आम कंपनी लाभ स्वरूप न रखिकी ग्राहक मान को पासन कर दे। चिलिकार फिशिंग क्याट्र सुरक्षा पर एक सचेतनता कार्यक्रम टांगी वन्यप्राणी विभाग कार्यालय परिसर में अनुषित हो आगामी दिन में पक्षी देखा जपरि पर्यटक आसपरि बाघाड़ी देखा पर्यटकों भिड़ जमे गवेषक और सीडीए पक्ष ओडिशा क्रिकेट आसोसिएशन आगामी सीजन पर नुआ जर्सी उन्मोचन उत्सव अनुष्ठित होई ओडिशा क्रिकेटर मुख्य कोच वासीम जाफर यह उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे जर्सी उन्मोचन करते ओसीए संपादक संजय बेहरा और सभापति पंकज लोचन महांती उत्सव में उपस्थित थे। एमजीएम मिनरल्स गोटे वर्ष पर जर्सी और पोशाक देव आग को बड़ बड़ कॉर्पोरेट हाउस ओडिशा क्रिकेट को प्रोत्साहन देवा को आगे आसवे वासीम जाफर और ओसीए संपादक संजय बेहरा आशा रखिंट। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है एमजीएम मिनरल्स में प्रेसिडेंट साहब को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि और बहुत सारे लोगों ने ये इनिशिएटिव करना चाहिए। आई थिंक इससे हमारा ओडिशा क्रिकेट इम्प्रूव होगा ओडिशा की जो टीम है और हमारी एसोसिएशन है इसको बहुत हेल्प होगा और जो हम चाहते हैं कि ओडिशा की टीम इम्प्रूव हो हमारी टीम आगे बढ़े तो जब कॉरपोरेट्स इन्वॉल्व होंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा एसोसिएशन को और मुझे लगता है कि प्लेयर्स को भी इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ओडिशा जो इंफ्रास्ट्रक्चर नाई से ओवरनाइट के करहबनी मुँ सहित दुईमत जे आम पिला जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने इंफ्रास्ट्रक्चर आम ओडिशा ना से मो 35टा आम जो 30टा जिला एवं कटक भुवनेश्वर 35टा क्रिकेट एकेडमी ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन करवाक जाऊँगी जोटि की पिला रेगुलर बेसिस रे डे टू डे बेसिस रे जो पिलामानंकर पोटेंशियल अच्छी से माने सेटी प्रैक्टिस करिवे आउ एटा ओवरनाइट केबे भी हबनी एटा हमको 2-3 वर्ष 4 वर्ष परिश्रम करियाकु पड़िबो आउ हमर एकेडमी काम ऑलरेडी आरंभ होईची एकेडमी रे आमे गोटे फीडर सेंटर करिवु इंटर स्कूल माध्यम रे जो पिला माने स्कूल 7 वर्ष रु 12 वर्ष पिला अछंती से पिला माननकु आनी की आमे तांको रेसिडेंशियल एकेडमी करिवु एवं से पिलांकु पाठ तांको स्कूलिंग पाठ नियाति दरकार से हमकु।
ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରାଟେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାକୋ ଓପନ୍ କରାଟେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ 12 ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ 200 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଉଭୟ ସିନିୟର ଓ ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମୋର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଏ ଛେଡ଼ାଛେଡ଼ି କରିବେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଭଲ ହେଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଝିଅମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଶିଖିବାଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ। ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବାପା ମାଆ କି ଆମର ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ କେହି ବି ନେଇ ଯାଉନ୍। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ T20ରେ ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 5 wicketରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା 165 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ 60 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା 48 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଭାରତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନା ତଥା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିପାତ ହେଲେ 5 କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆଜି ଦିନସାରା ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନରେ ମିଳିଛି ଏକ ସଫଳତା। 2 ଅଲଗା ଅଲଗା ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 5 ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖଲାସ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୁଲଗାମ୍ର ପମ୍ବେ ଏବଂ ଗୋପାଲପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।